अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आ गई हूँ मैं दोबारा से नए व्लॉग के साथ। व्लॉग कह लें या छोटी सी एक वीडियो आज के लिए कह दें कि इंट्रो है एक तरह से। लेकिन अब इस चैनल पे क्या होने वाला है? इस चैनल पे होने वाली है कुकिंग। और कुकिंग कौन करेगा? मैं करूँगी? नहीं, मैं तो करूँगी, साथ में करेंगे मेरे हस्बैंड। हम दोनों मिलके आप लोगों के लिए कुकिंग किया करेंगे और बड़ी मज़े मज़े की रेसिपीज़ आने वाली हैं, मिस मत कीजिएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और वेट करें नेक्स्ट व्लॉग का कि क्या होने वाला है और क्या धमाकेदार और यमी खाना बनने वाला है। तो मेरे साथ बने रहिए। ये आज हम बना रहे हैं खीरी और कलेजी के टिक्के। ये हमारे कोयले ऑलमोस्ट तैयार हैं, ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं। ये बस हम इस पे लगाएंगे, फिर जैसे जैसे तैयार होते जाते हैं उसके बाद आगे हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, हमने लगा दिए हैं बनने के लिए। ये देखें आप, ये खीरी की हैं और ये कलेजी की। कलेजी जो है हमने बछिया की ली है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इस वक्त इसमें से। जैसे जैसे तैयार होती जाती हैं आपको दिखाते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बताता चलूँ कि लोगों से एक गलती हो जाती है कि बहुत भर के कोयले जो है ना वो डालते हैं अंगीठी में, तो भर के मत डाले जाएँ कुछ भी अगर उन्होंने बारबेक्यू करना है। तो अगर आप ज़्यादा मकदार में कोयले जला के और भर देंगे उसके अंदर, तो वो चीज़ जो भी आप बना रहे होंगे वो जलना शुरू हो जाती है। तो कोयलों की मकदार जो है हमेशा इतनी हो कि उसकी हीट से जो चीज़ है वो आराम आराम से पके। ये अभी हमने एक तरफ से पलटी हैं और हल्का हल्का हमने इन पर ऑयल लगाया है। ये आप देख सकते हैं कि अभी इनका कलर जो है पहले की नस्बत चेंज हुआ है। ठीक है, ये देखें खीरी की, ये देखें कलर आपने देखा होगा कि हल्का हल्का चेंज हुआ है। इसी तरह ये कलेजी का आप देखें कि कलर चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये हल्के हल्के अब पकना शुरू हो रही है। तो हमने एक तरफ ऑयल लगाया है अभी इनके और पलटा है फिर इनको। जैसे जैसे ये आगे बनती जाती हैं मैं आपको दिखाता हूँ। पलटे हैं दोबारा और ये आप देखें क्या माशाल्लाह से इनका कलर आया है और जो इस वक्त खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी ज़बरदस्त जो है ना इस बारबेक्यू की खुशबू है। मेरे ख्याल में मोहल्ले वालों के तो शायद जो है ना मुँह में पानी आ रहा होगा इस वक्त इस खुशबू से ही। कलेजी हमने जो है ना उतार ली है क्योंकि ये बिल्कुल तैयार है, ये आप देख सकते हैं। खीरी जो है थोड़ा टाइम लेती है, खीरी अभी हो रही है तैयार। खीरी तैयार हो चुकी है जो कि हमने उतार ली। ठीक है,